अभी मैं जा रहा हूँ बिल जमा करने, लाइट का बिल जमा करने। हम लोग यहीं पे ऑफिस में जमा करते हैं और हर महीने जमा करना पड़ता है लाइट का बिल। सो अभी मैं जा रहा हूँ और मैं थोड़ा मार्केट में भी काम है और मुझे कल जाना है हल्द्वानी कल, क्योंकि कॉलेज में मेरा वर्क है और कल वोटिंग भी है हल्द्वानी में। सो मैं मतलब 24 तारीख को वोटिंग है, तो सुबह कॉलेज में मेरी वोटिंग है तो मैं जाऊँगा हल्द्वानी और कॉलेज का कुछ काम भी था। मैं सोच रहा हूँ जब तक मैं घूमने कहीं जाऊँ, ट्रिप प्लान कर रहा हूँ मैं। अभी फ्लाइट नहीं है मेरा, सोच रहा हूँ मैं न्यू ईयर तक जाऊँगा कहीं पे। तो अभी मैं तब तक मैं सोच रहा हूँ कब तक घर के सारे काम निपटाता हूँ। और मेरे घर वालों को लगता है कि मैं खाना बाहर से खाता हूँ, मैं घर पे खाना नहीं बनाता। सो आज उनको ही पता चल जाएगा कि मैं घर पे खाना बनाता हूँ या बाहर से खाता हूँ। सो आप सबको दिखाऊँगा। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एंड आई होप सब मेरी तरफ बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। सो और आप थंबनेल और टाइटल से जान ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग किस बेसिस पे होने वाला है। सो आज मैं अपनी लाइफ आज मैं अपनी डे पूरी डे का डेली रूटीन आपको दिखाऊंगा और पूरे डे की जर्नी हर एक मोमेंट्स आपसे शेयर करूंगा, जैसे कि आपने अभी तक देख ही लिया होगा। सो मैं आजकल मैं जल्दी उठ जा रहा हूँ, पता नहीं मेरी आँखें नींद जल्दी खुल जा रही है। सो मैं उठ गया। सो मैंने कहा क्यों ना आज ब्लॉग बनाया जाए और कुछ आज इंटरेस्टिंग और मज़ेदार दिखाऊँगा आपको पूरा दिन। और अभी तक और स्टे ट्यून, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। ये वाला ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बने रहे वीडियो में। और आज का सीन ऐसा है कि आज मैं थोड़ा अपने दिन का दिखाऊंगा, पूरा दिन का डेली रूटीन और मैं क्या मेरे घर वालों को लगता है कि मैं खाना बाहर से खाता हूँ, मैं घर पे खाना नहीं बनाता। सो आज उनको ही पता चल जाएगा कि मैं घर पे खाना बनाता हूँ या बाहर से खाता हूँ। सो आप सबको दिखाऊँगा। और खाना बनाना तो आती हो, लेकिन मैं आपको डेली रूटीन दिखा रहा हूँ तो वो सब चीज़ दिखाना तो वो बनता ही है गाइस। सो ऐसा है सीन। और अभी बज रहे हैं 6:30 और अभी धूप भी निकली है और ऐसा माहौल हो गया गाइस। चेक दिस आउट ऐसा कुछ। एंड गाइस, जो भी मेरे आज सारे काम है वो भी आज मैं कर लूँगा आज के ब्लॉग में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और मुझे कल जाना है हल्द्वानी कल, क्योंकि कॉलेज में मेरा वर्क है और कल वोटिंग भी है हल्द्वानी में। सो मैं मतलब 24 तारीख को वोटिंग है, तो सुबह कॉलेज में मेरी वोटिंग है तो मैं जाऊँगा हल्द्वानी और कॉलेज का कुछ काम भी था। और मैं सोच रहा हूँ कि क्रिसमस सेलिब्रेशन भी मैं वहीं पे करूँगा। सो अमेजिंग ब्लॉग आएंगे और लाइक कर देना। और बहुत सारे अभी मैं सोच रहा हूँ कि मतलब डेली ब्लॉग्स तो नहीं कर पाऊँगा, क्या पता अल्टरनेट डे में डालूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हर दिन डालूँ। सो मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने के लिए और मैं अब पूरी मेहनत करूँगा, थोड़ी आपको भी ब्लॉग अच्छे कंटेंट दिखाने की कोशिश करूँगा। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और एक लाइक कर देना। एंड थैंक यू सो मच, आपने पिछले वीडियो में काफ़ी सारा प्यार दिया आपने और ऐसे प्यार देते रहना। सो अभी आपको दिखाता हूँ हमारी कॉलोनी में। देखो गाइस, चेक दिस आउट। एंड गाइस, सुबह सुबह का माहौल तो काफ़ी मस्त होता है, अमेजिंग होता है। सुबह सुबह ठंडा रहता है लेकिन अच्छा भी लगता है, क्योंकि फ्रेश मॉर्निंग अलग ही होती है, वाइब्स अलग होती है फ्रेश मॉर्निंग की। ऐसा कुछ सीन है गाइस। और ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं और ये जितने भी खेत दिख रही हैं आपको, ये सरदार के हैं ये। और ये हमारी कुछ ऐसी कॉलोनी, पूरे सब घर आपको एक जैसे दिखेंगे। आप फर्स्ट टाइम आओगे तो हैरान हो जाओगे कि कहाँ हो गया, किसी के घर जाने नहीं पाओगे क्योंकि सब एक जैसे घर दिखते हैं। सो ऐसा कुछ माहौल है। और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छा लगता है, माहौल अच्छा है काफ़ी यहाँ पे। सुख शांत मतलब माहौल भी अच्छा है यहाँ पे, शांति वाला नेचर है यहाँ पे और ग्रीनरी। और ये सामने आपको ग्राउंड दिख जाएगा इस, यहाँ पे बच्चे शाम को खेलने आते हैं। एंड मैं गाइस कल ही रुद्रपुर आया हूँ। मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था गांव से। मैंने कहा क्या बार बार आना जाना करते हूँ, क्योंकि मेरा तो हर एक दो हफ्ते में आना जाना होता रहता है, तो मैं बार बार शूट नहीं कर पाता, मेरा मन नहीं करता बार बार शूट करने का, तो मैंने शूट नहीं किया। सो मैं कल रुद्रपुर पहुँच गया था। सो आज मैं शूट कर रहा हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना आपको बता दिया जाए मैं रुद्रपुर हूँ और अपडेट दे दी जाए। सो ऐसा कुछ सीन है। और अभी थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा है, आजकल तो फॉग नहीं हो रहा है यहाँ पे, गांव में तो हो रहा था, अब तो थोड़ा सही मौसम हो गया, धूप आने लगी जल्दी। देखो आज कितने बजे धूप आती है। और अभी मैं जाता हूँ फिर स्नैक्स बनाता हूँ नाश्ता वास्ता फिर मेरे को क्योंकि आपको दिखाना है। और अभी जाऊँगा आज मैगी बनाऊँगा मैं। आज मैं 2 मिनट वाली मैगी पसंद करता हूँ 2 मिनट, और कोई तो तड़का लगाने वाला, लेकिन मेरे को 2 मिनट वाली मैगी पसंद है तो मैं जल्दी बना देता हूँ, शॉर्ट वे में बनाता हूँ। सो आपको दिखाऊँगा मैगी बनाऊँगा और चाय बनाऊँगा। सो मिलते हैं आपको थोड़ी ब्रेक के बाद। सो बॉयज़, आई होप आपको टाइमलेस पसंद आया हो, और टाइमलेस पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है इसके लिए। सो अभी मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, और मैगी मैंने रख दी थी बॉईल करने के लिए, और आज मैं मटर वाली मैगी बना रहा हूँ। सो मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ आपको ब्रेकफास्ट चाय और मैगी के साथ होगा मेरा। सो मिलते हैं आपको वीडियो में, बाय। सो चेक दिस आउट गाइस, हियर इज़ माई मैगी, और ये अभी बॉयल हो रही है और इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया। और आज मैं मटर वाली मैगी बना रहा हूँ, मटर थी तो मैंने सोचा कि उन्हें मटर डाल दिया जाए। सो मटर बन रहा है और अभी मैं बनाऊँगा चाय। सो इसमें बनाता हूँ चाय। सो आप कीजिए, तब तक आप इंजॉय कीजिए सिनेमैटिक शॉट्स। सो मिलते हैं। सो बॉयज़, फाइनली अपनी मैगी और चाय तो बन गई है, और हेयर इज़ माई मैगी एंड चाय एंड कमेंट करके जरूर बताना गाइस, जिसको मैगी पसंद है वो एक बार कमेंट करके जरूर बताना किसको उसको मैगी पसंद है। मैगी लवर स्पैम इन द कमेंट सेक्शन। सो अभी मैं आपको मिलता हूँ मैगी खा के। सो मिलता हूँ आपका। सो बॉयज़, फाइनली मैंने मैगी और ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब मैं जा रहा हूँ नहाने, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है और मुझे फ्रेशन अप होता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ नहा धो के। सो मिलता हूँ थोड़ी देर में, बाय। सो मिलता हूँ गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो हे गाइस, फाइनली मैं आपको रेडी हो चुका हूँ। मैं थोड़ी देर पहले अभी नहाया था, फ्रेशन अप हो गया हूँ और रेडी हो चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बिल जमा करने, लाइट का बिल जमा करने। हम लोग यहीं पे ऑफिस में जमा करते हैं और हर महीने जमा करना पड़ता है लाइट का बिल। सो अभी मैं जा रहा हूँ, और मैं थोड़ा मार्केट में भी काम है और बैंक में भी जाऊँगा। सो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, और लंच मैंने अभी किया नहीं है और अभी आके लंच बनाऊँगा। सो अभी जाता हूँ, बहुत लेट हो गया है मेरे को, और देखता हूँ जो काम है निपटा के आता हूँ, फिर वहाँ से मिलता हूँ। तो आपको मिलता थोड़ी देर, बाय। सो बॉयज़, फाइनल में आ चुका हूँ घर पे, और थोड़ा टाइम लग गया था और भूख भी बड़ी तेज़ लग रही है, और उस भूख के मारे हेडेक भी हो रहा है। सब खाना बना लेता हूँ, लेकिन अभी बर्तन मांजना भी इसी टास्क, थोड़े बहुत बर्तन है। फिर अभी सब्ज़ी बनाता हूँ और फिर अब चलता हूँ। मार्केट का काम तो हो गया मेरा और बिल भी जमा हो गया है। मैं सोच रहा हूँ जब तक मैं घूमने कहीं जाऊँ, ट्रिप प्लान कर रहा हूँ मैं, अभी सेट नहीं किया मेरा। सोच रहा हूँ मैं न्यू ईयर तक जाऊँगा कहीं पे। तो अभी मैं तब तक मैं सोच रहा हूँ कब तक घर के सारे काम निपटाता हूँ। और तो अब मैंने आज थोड़ा बहुत काम हो गया है, और बाइक भी मैंने वॉश करा दी। मैंने दिखा नहीं पाया आपको जल्दीबाजी में, तो मैं बाइक वॉश करा दी, क्योंकि मैं कल हल्द्वानी जाऊँगा। हल्द्वानी में थोड़ा कॉलेज का काम है, और न्यू क्रिसमस वहीं पे भी साथ में, यहाँ पे कोई नहीं तो वहाँ पे जाऊँगा, तो भुवन लोग के साथ वीडियो बना लूँगा। तो अभी जाता हूँ, खाना बनाता हूँ, सब मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो बॉयज़, अब मैं जाता हूँ खाना बना, ये बर्तन धो लें, तो बर्तन धो के आपको थोड़ी देर। फाइनली मैंने आलू और ये मटर को छील दिया है, आलू को छील दिया है और काट भी दिया है। तो अब इसको बॉयल करूँगा मैं, और आज अपने स्टाइल में दिखाऊँगा आपको, रोहित ब्लॉगर के स्टाइल में आपको सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगा। वैसे तो आपकी थी, लेकिन आज रोहित स्टाइल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा सब्जी बनाना। टमाटर कभी मीठा पड़ जाता है, इसको गर्म करना पड़ता है गाइस। और ये हमारी कढ़ाई तैयार, अब इसमें डालते हैं गाइस। अब इसमें डालेंगे हम मसाले वगैरह, मतलब मसाले क्या, हल्दी डालेंगे पहले तो, और यहाँ नमक डाल दो स्वाद अनुसार, जितना आप खाना चाहें एक बारी में डाल दो। और यहाँ डालेंगे थोड़ी सी हल्दी दिखने लायक, बाद में और डाल देंगे। अभी इसे थोड़ा थोड़ा डाल दो, थोड़ा कुछ सी लगा। अब इसको हम 5 मिनट में, अब इसको हम बॉयल होने देंगे। जब तक ये बॉयल होगा, जब तक आलू पकना जाता है, तो इसको बॉयल होने देंगे। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर। सो गाइस, सब्जी अब बॉयल हो गई है और आलू अच्छे से पक गए हैं। सो आपको दिखाता हूँ, तड़का लगाना सिखाता हूँ क्या, आपको तो पता ही है। सो आपको जल्दी आपको टाइम पर सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है, अब खाना है और टाइम बहुत हो चुका है। सो मैं आप ही मिलता हूँ। सो आप इंजॉय करते हैं, बाय। कर चुका है फाइनली अपना अपनी ब्लॉगिंग स्टाइल में अपने तो जैसे भी था अच्छा लगा दीवारों दिख लेना। अब इसको बॉयल होने दे, अब इसको ढक देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सो बॉयज़ फाइनली मेरा खाना बन चुका है और मैं लंच कर रहा हूँ अब। और आज बना है मटर पनीर, मटर और आलू की सब्जी। सो अभी खाता हूँ क्योंकि बहुत भूख लग रही है। सो आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ, फिर मिलते हैं। सो हेलो जी, गुड इवनिंग गाइस। और अभी बज रहे हैं शाम के 6। सो मैं सो गया था खाना खा के क्योंकि मेरे को नींद आ गई थी। मैं दो घंटे सो गया। मैं और भी उठाऊँ सो के क्योंकि मैं जल्दी उठ जाता हूँ। और मैं नाइट का खाना तो बनाऊँगा नहीं क्योंकि मैं एक साथ ही बना लेता हूँ क्योंकि अकेले में दोबारा कौन बनाए। तो मैं दोपहर में ही 2 टाइम का खाना बना लेता हूँ, दोपहर और रात का खाना बना लेता हूँ। रात तो खाना भी बनाऊँगा नहीं, सो मैं उसे गर्म करके खा लूँगा। वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। एंड आई आपको अच्छा लगा ये छोटा सा ब्लॉग, मैं छोटा सा बना पाया, कोई बात नहीं। मेरे को बस आपको दिखाना था अपना डे का जर्नी, सो मैंने आपको दिखा दी डेली रूटीन अपना जो भी था मेरा। और आई होप आपको पसंद आए हो, और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सो फिर मिलूँगा नई वीडियो, तब तक के लिए बाय।